हेलो गाइस, वेलकम टू करुणा सर्विसेज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको पांच चीज़ें बताऊंगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी देखिएगा, होटल गेस्ट हाउस वहाँ पे वो पांच तो चीज़ होता है गेस्ट के रूम में, वो हमारे हाउसकीपिंग के टीम क्लीन नहीं करते हैं। तो गाइस, वो पांच चीज़ें क्या है और कैसे क्लीन करना है वो देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो देखते रहिए करुणा सर्विसेज। गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो आपका सजेशन दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, और ये वीडियो आपके टीम मेंबर के साथ, हमारे हाउसकीपिंग मेंबर के साथ शेयर कीजिएगा। होटल हॉस्पिटल इंडस्ट्री मॉल रे व्यवहार करा जाउथबा समस्त प्रकार हाउसकीपिंग प्रोडक्ट्स एबे आपण पाए परिबे करुणा सर्विसेज रे। तबे डेरी काहे की एबे ही ऑर्डर करंतु, जोगाजोग करंतु 7504320200 नंबर रे, ओ आमको मेल करंतु karunaservices.bbhr@gmail.com रे। गाइस, मेरा नाम है विज्ञान जबल, ओनर ऑफ करुणा सर्विसेज, भुवनेश्वर ओडिशा। तो गाइस, वो पांच चीज़ें क्या होती हैं, चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वो फर्स्ट चीज़ है आपका स्विच बोर्ड, जहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं, की डालते हैं वो। तो गाइस, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाइएगा, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ फाइव स्टार और सेवन स्टार के होटल में, तो हालांकि वो वहाँ पे क्लीन अच्छी तरह से होता है। छोटे और मीडियम लेवल के जो भी होटल हैं, आप कहीं भी जाएगा तो देखिएगा कि रूम को एंट्री करते वक्त उनका मतलब सामने आता है, पहले जो चीज़ सामने होता है क्लीन नहीं होता है मैक्सिमम होटल पे, वो है आपका स्विच बोर्ड, जहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं, की डालते हैं वो। तो मैं भी गाइस बहुत बार देखा हूँ, बहुत बार ऐसे भी होटल में रह चुका हूँ मैं, और डेमो के लिए भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ क्या क्या चीज़ें क्लीन होता है, क्या चीज़ें क्लीन नहीं होता है। तो मैं मेरा फर्स्ट जो मार्क करता हूँ वो है आपका स्विच बोर्ड। तो गाइस, आप भी देखिएगा तो मैक्सिमम हम क्या करते हैं, और सब फ्लोर वगैरह, टॉयलेट वगैरह, बेसिन, ये सब क्लीन कर लेते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ हम कभी भी क्लीन नहीं करते आपका होटल में, हाउसकीपिंग टीम मेंबर वो क्लीन नहीं करते। पहला जो है हमारा स्विच बोर्ड, आप देखिएगा कि सपोज़ हम लोग जाते हैं, एंट्री करते हैं, हमारा लाइट, फैन वगैरह हम लोग सब ऑन कर लेते हैं, वो खाली स्विच जो है वो क्लीन रहता है, प्लग तो क्लीन रहता है क्योंकि हमारा हाथ लगता रहता है, और चारों तरफ का जो बोर्ड का चारों तरफ का जो पैनल होता है वो क्लीन नहीं होता है। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद हम लोग और हाउसकीपिंग टीम मेंबर ध्यान देंगे और बोर्ड वगैरह सब क्लीन करेंगे और सैनिटाइज भी करेंगे, क्योंकि ये कोविड का सिचुएशन है, आप देखते रहते हैं तो हाथ भी वहाँ पे लगता है। तो दूसरे फ्लोर के साथ साथ भी ये स्विच बोर्ड वगैरह क्लीन करना ज़रूरी है। तो गाइस, हमारे लिस्ट में जो सेकंड चीज़ है वो है टेलीविज़न। तो गाइस, मैं भी बहुत सारे होटल पे गया हूँ, मैं भी देखा हूँ, सपोज बहुत सारे होटल पे अच्छा अच्छा टेलीविज़न रहता है, लेकिन टेलीविज़न मैक्सिमम मैं देखा हूँ क्लीन नहीं रहता है। टेलीविज़न का स्क्रीन में डस्ट लगा रहता है, पीछे वाला तो और भी गंदा रहता है, सपोज़ बहुत सारा डस्ट पड़ा रहता है वहाँ पे, आपका कॉबवेब जो होता है, कॉबवेब वो बैठ जाता है, वो भी क्लीन नहीं होता है। तो माय रिक्वेस्ट हाउसकीपिंग स्टाफ को कि वो भी ध्यान देना पड़ता है, आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, वो टीवी और टीवी का चारों तरफ और टीवी टेबल और टीवी का बैक साइड में जो भी है सब आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो गाइस, जो थर्ड चीज़ है हमारे लिस्ट में वो है कपबोर्ड। तो गाइस, आप बहुत सारे होटल में आप भी देखे होंगे, मैक्सिमम होटल में कपबोर्ड रहता है, सपोज़ गेस्ट जाके वहाँ पे जो पहना रहता है आप उनका कपड़ा वगैरह वहाँ पे रखने के लिए कपबोर्ड रहता है। तो मैक्सिमम मैं देखा हूँ कपबोर्ड क्लीन नहीं करते हैं, तो
बहुत सारा है कि बाहर बाहर के प्लाई में धूल ये सब लगा रहता है, और कपबोर्ड के अंदर भी बहुत सारा धूल रहता है। वहाँ पे सपोज हैंग करते हैं आपका कपड़ा, और नीचे वाला फ्लोर में देखिएगा, आप कभी भी मतलब हाथ में डाल के वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे भी बहुत सारा धूल पड़ा रहता है। तो गाइस आपको भी वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। कपबोर्ड के बाहर मतलब आउटर साइड और इनर साइड भी आपको क्लीन करना पड़ेगा। कपबोर्ड के वॉल, उनका जो एरिया रहता है रखने के लिए जो भी होता है, वो भी सब क्लीन करना पड़ेगा। उनके साथ कपबोर्ड में आपका जो रॉड वगैरह रहता है हैंग करने के लिए, और हैंगर, वो भी क्लीन करना पड़ेगा। नहीं तो सपोज गेस्ट का कुछ कपड़ा गंदा हो सकता है, वो भी मतलब तो बैड इफ़ेक्ट हमारे कस्टमर को डाल सकता है। तो गाइस हमारे लिस्ट में जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है वेरी इम्पोर्टेंट, वो है आपका टेलीफोन रिसीवर। तो गाइस आप भी देखिएगा, सभी मैक्सिमम होटल पे टेलीफोन रिसीवर रहता है वो कांटेक्ट करने के लिए। तो मैं मैक्सिमम बहुत सारे होटल में मैं भी खुद रियलाइज़ किया हूँ, मैं भी देखा हूँ, और टेलीफोन के ऊपर स्विच के मतलब बीच में सब बहुत सारा धूल पड़ा रहता है, वो क्लीन नहीं होता है। तो गाइस हमको भी ध्यान देना पड़ेगा और टेलीफोन को क्लीन करने रखने के लिए। तो हाउसकीपिंग मैनेजर, हाउसकीपिंग टीम, उनको भी चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा, उनके लिस्ट में वो भी शामिल होना रखना पड़ेगा। जो रिसीवर होता है वो भी क्लीन रखने के लिए, क्लीन के साथ साथ सैनिटाइज भी करना पड़ता है। तो गाइज आई होप कि ये छोटे छोटे चीज़ें आप भी क्लीन रख सकते हैं वीडियो के थ्रू, तो ये भी चेकलिस्ट में डालते रहिए और क्लीन करते रहिए। तो गाइज आज की इस वीडियो पे हमारा जो फिफ्थ नंबर प्रोडक्ट है, वो चीज़ है होटल में जो कभी क्लीन नहीं करते हैं मैक्सिमम होटल पे, वो है फोटो फ्रेम। तो गाइज आप भी देखे होंगे सभी होटल में मैक्सिमम 99% होटल में फ़ोटो फ्रेम लगा रहता है, क्योंकि एक तो अच्छा व्यू आएगा कस्टमर हमारे गेस्ट को, तो सभी होटल में अच्छा अच्छा फ़ोटो फ्रेम रहता है। लेकिन वो फ़ोटो फ्रेम मैक्सिमम होटल पे मैं रियलाइज़ किया हूँ, मैं खुद देखा हूँ, वो मैक्सिमम क्लीन नहीं रहता है, वो वहाँ पे डस्ट लगा रहता है। तो मैं भी कुछ होटल पे गया हूँ, फ़ोटो खींच के लाया हूँ, मैं स्क्रीन में आपको डाल दूँगा, आप भी देख सकते हैं। और आप कहीं भी होटल को जाएगा तो मैं भी जो जो बोल रहा हूँ वो आप भी मार्क कीजिएगा, तो डस्ट लगा रहता है। तो माय रिक्वेस्ट हाउसकीपिंग स्टाफ को, मेंबर को, जो क्लीन के ऊपर काम करते हैं उनको सभी को, कि आप सभी प्रोडक्ट की तरह फ़ोटो फ्रेम को भी क्लीन कीजिए, और फ़ोटो के सामने वाला जो ग्लास रहता है जो भी है उनको क्लीन कीजिए, वो चारों तरफ का जो फ्रेम बना रहता है उसको भी क्लीन कीजिए, और वॉल में मैक्सिमम वॉल में भी बहुत सारा डस्ट लगा रहता है, कॉबवेब लगा रहता है, वो भी क्लीन नहीं रहता है, वो बहुत बैड हैबिट है हमारे हाउसकीपर्स के लिए। तो उनको भी ये सब क्लीन करना पड़ेगा, आपको भी ये सब चेकलिस्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी ये सब चीज़ें चेकलिस्ट में डालेंगे तो आप वीकली आप मेंटेन करते रहेंगे और हमारा रूम क्लीन होता रहेगा। तो गाइस और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं रूम में जो कि हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग मैनेजर कभी रूम में वो क्लीन करने के लिए ध्यान भी नहीं देते। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा चीज़ है रूम में जो क्लीन नहीं होता है मैक्सिमम टाइम पे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो सब देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस मैं क्या क्या मिस कर दिया हूँ, वो कौन सा चीज़ है जो क्लीन नहीं होता है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। और क्लीनिंग के रिलेटेड क्या क्या चीज़ के ऊपर आप फुल
डिटेल्स में जानना चाहते हैं वो भी आप बताइएगा, तो मैं वो चीज़ के ऊपर वीडियो बना के आपके लिए शेयर कर दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज बताया कि हमारे होटल में जाते हैं तो रूम में वो कुछ प्रोडक्ट रहते हैं उसे ऐसे होते हैं 5 चीज़ें जो कि कभी मैक्सिमम क्लीन नहीं होता है। वो है आपका स्विच बोर्ड, आपका टेलीविज़न, आपका कपबोर्ड, आपका टेलीफोन रिसीवर और आपका फ़ोटो फ्रेम। गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो आपके टीम मेंबर में शेयर कीजिए ताकि वो भी उनको आइडिया आ जाएगा, वो भी उनके शेड्यूल में लिख के रख सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय जगन्नाथ। बड़ों को रेस्पेक्ट कीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए और पेट्स को बहुत सारा प्यार कीजिए।